हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये पराठा कितना लेयर में और कितना अच्छे से तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करती हूं। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें आटा लगाना है। उसके लिए मैंने एक कप लिया है सबसे पहले मैदा, और अब इसमें डालेंगे मैं एक चम्मच सूजी, पतली या मोटी सूजी आप कोई सी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, और इसमें अब ऐड करना है हमें थोड़ा सा नमक। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नमक पराठे में अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत कम नमक डालना है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑयल को अच्छे से एक बार आटे में मिक्स कर लेंगे, और थोड़े थोड़े पानी के साथ हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। आटा हमारा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। वो सॉफ्ट होगा तो लेयर खुल के नहीं आएंगी, और टाइट होगा तो पराठा अच्छा सिकेगा नहीं। अभी मैं देखती हूँ, 15 मिनट बाद हमारा आटा तैयार हो गया है, और मैं इसको एक बार और अच्छे से अपने हाथ से मसल लेती हूँ। आप आटे को जितना अच्छे से मसलेंगे वो आटा उतना ही अच्छे से तैयार होगा, और पराठा बहुत अच्छा तैयार होगा। अब हमें इसको थोड़े से सूखे आटे की हेल्प से इसको बहुत पतला सा बेल लेना है। याद रखना, ये जो हमें चपाती बेलनी है ये बहुत पतली बेली होनी चाहिए, तभी हमारा पराठा बहुत अच्छा बनेगा। आप जितना पतला बेल सकते हैं बेल सकते हैं। कुछ लोग ऑयल लगा के भी बेलते हैं, मैं आटा लगा के बेल रही हूँ। आटा लगाने से भी बहुत पतला बेल जाता है। ये देखिए, मैंने इसको बहुत पतला सा बेल लिया है। ये देखिए कितना पतला सा मैंने ये चपाती बेल ली है बड़ी सी। अब हमें इसको अच्छे से लगा लेना है ऑयल, ये या घी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इसमें अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है, इतनी अच्छी लेयर आएंगी। फिर किसी पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हमें पतले पतले से इसमें से स्ट्राइप इसे कट लगा लेना है पूरे में। इससे क्या होगा कि पराठा आपका बहुत ही फ्लेकी और मतलब बहुत बढ़िया से लेयर उसकी खुल के आएंगी। ये पतले पतले से स्ट्राइप्स आप काट सकते हैं इसमें, जितना पतला काटेंगे उतना ही बढ़िया होगा पराठा। अब क्या करना है, अब हमें किसी नाइफ की हेल्प से इसको एक तरफ से सारा समेट लेना है। ये बहुत इजीली समेट जाता है, क्योंकि इसमें नीचे भी अच्छा खासा ऑयल चला गया है, हमने ऊपर ऑयल लगाया है और इसको काटा है तो चला जाता है, तो हम इसको से समेट देंगे। अगर आप चाहें आप ऐसा फ्लेकी पराठा अपने गेस्ट को खिलाना चाहें और सोचें कि बहुत टाइम लगता है, तो आप पहले से ही लोइया तैयार करके रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट हैं तो फटाफट बना के आप उनको सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे मुश्किल भी नहीं होगा, और आप अपने गेस्ट को लच्छा पराठा सर्व कर पाएंगे। ये पराठा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है और बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि ये पराठा मैं बहुत इजीली तरीके से बना के आपको दिखा रही हूँ। अब इसको मैंने ऐसे समेट लिया है। अब इसको क्या करना है, मैं हाथ में लेके ऐसे चारों तरफ राउंड करते हुए, बिल्कुल जैसे हम जूड़ा बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसकी एक लोई तैयार कर लेनी है। बहुत हल्के हाथों से करनी है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना वो सब अंदर से जो लेयर हैं वो चिपक जाएंगी, वो सिकने के बाद अच्छे से खुल के नहीं आएंगी। तो इसको हल्के ही हाथों से हमें तैयार करनी है लोई को। और आप चाहें तो इसको हाथ से ही आप बेल करके तवे पे मतलब डाल सकते हो सीधा। तो मैंने ये कर ली है लोई तैयार, मैंने दोनों लोइयाँ अपनी तैयार कर ली हैं। अब हम इसको अपने हाथ हल्के हल्के हाथों से ही फ्लैटन आउट करेंगे। इसको बेलन नहीं लगाना है, याद रखना इसको बेलन नहीं लगाना है, वरना आपकी लेयर पराठे की खुलेंगी नहीं और वो अच्छा नहीं सिकेगा। तो अपने हाथों से इसको फ्लैटन आउट करें। ये देखिए, मैंने हल्के हल्के हाथ से इसको फ्लैटन आउट कर दिया, और अब आती है बारी इसको सेकने की। मैंने पहले से ही तवा रखा हुआ है जो कि बहुत गर्म हो गया है, ये आयरन तवा है। पराठा सेकने के लिए आयरन तवा सबसे बढ़िया होता है,
क्योंकि वो लेट तक गर्म रहता है। और हमें इस पराठे को मीडियम गैस पे सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, वरना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। तो इसको मीडियम गैस पे सेकना है। इस पराठे में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, तो इसको इसमें दो बार हमें ऑयल लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिखे कि पराठे में ऑयल कम हो रहा है, तो आप दोबारा से ऑयल उस पर लगा दें। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पराठा सिक रहा है, इसकी लेयर खुलना स्टार्ट हो गई है। देखिए धीरे धीरे से, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है खुलने की लेयर, पूरा पराठा वो खुला भी नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखें, इसको मीडियम गैस पे ही पराठे को सेकना है। इस पराठे को सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसको मीडियम गैस पे सेकने से वो अंदर तक बढ़िया सिक जाएगा और वो उसकी जो लेयर है सिकने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप खुद ही खुलती चले आएंगी। अब आप देख रहे हैं मेरा पराठा ऊपर से कितना ड्राई दिख रहा है। आप चाहे तो इसी से इस पर दोबारा से इस पर आप घी या बटर लगा के इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए पराठा मेरा एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं आपको एक फोक की हेल्प से अभी उठा के दिखाती हूँ कि ये मेरा कितना लेवी और कितना फ्लेकी तैयार हुआ है पराठा। ये देखिए है ना फ्लेकी पराठा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय।